नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है और अब खबरों को देते हैं विस्तार। गंज बासौदा से बीजेपी के रुझान आने के बाद कुरवाई विधायक हरीश सिंह सप्रे और गंज बासौदा विधायक लीला जैन टप्पू ने इंडिया खबर लाइव के माध्यम से अपनी बात रखी। पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत रंग लाई है और वो सब आप रुझान ने दी। छह महीने होने वाले केवल एक ही कारण से, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, जब तक मैं हरी सिंह सप्रे विधायक हूँ भाई, मैं कोई कपड़ा नहीं पहनता। दूसरी बात, राष्ट्रवाद के नाम, मोदी जी के नाम ये मत पड़ा वो जी, वास्तव में राष्ट्रवाद मत मोदी मैं हूँ, राष्ट्रीय मैं हूँ। आज देखो, प्लीज, मैंने तो 20 तारीख को घोषणा कर दी कि 100-300 सीटें आएंगी भाजपा को। 20 तारीख को भविष्यवाणी की मैंने साथ आया 300 सीटें आएंगी। चुनाव आए थे जब क्यों नहीं, ईवीएम में गड़बड़ गई थी, पंजाब में भाई, छत्तीसगढ़ में भाई, राजस्थान में, जब ईवीएम सही थी, अब ही गलत हो गए, कुछ नहीं है। कांग्रेस को जरूर काम मोदी जी और राहुल गांधी तुलना कर रहे, एक राष्ट्रवाद थे, एक राष्ट्रवाद। 23 मई 2019 को भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की खुशी की लहर। सोनभद्र जिले के ओबरा नगर में बड़ी उत्साह के साथ विद्यार्थी परिषद ओबरा इकाई ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने व सोनभद्र के एनडी प्रत्याशी पकौड़ा लाल कौल की जीत की खुशी में यह शोभा यात्रा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा निकाली गई। कब्रिस्तान की जगह से नहीं हटाया गया अतिक्रमण तो अगले जुम्मे को नहीं होगी नमाज। गंज बासौदा के पास ग्राम नसीतपुर में कुछ बदमाशों द्वारा मुस्लिम समाज की कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर वहां अवैध रूप से ईंट भट्टा संचालित करने की शिकायत पिछले कई दिनों से मुस्लिम समाज द्वारा लगातार की जा रही है। इसको लेकर मुस्लिम समाज ने विदिशा पहुंचकर SP विनायक वर्मा को भी ज्ञापन दिया, लेकिन अधिकारियों ने केवल आश्वासन दिया। इससे परेशान होकर मुस्लिम समाज ने शुक्रवार को तहसील पहुंचकर तहसीलदार को एक लिखित ज्ञापन दिया, जिसमें काजी मोहम्मद शौकत ने बताया कि यदि प्रशासन ने हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया और अगले शुक्रवार तक कब्रिस्तान की जमीन से ईंट भट्टे का अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पूरी मुस्लिम समाज की मस्जिदों में ऐलान करवाकर पूरी मुस्लिम समाज तहसील परिसर में एकत्र होकर भूख हड़ताल करेगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, नहीं करेंगे तो अगले शुक्रवार को हम पूरे मुस्लिम समाज इकट्ठे होकर तमाम मस्जिदों में ऐलान करेंगे, लोगों को एकत्रित करेंगे, इकट्ठे करेंगे और तहसील के अंदर आकर प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ तक भूख हड़ताल तो हमारी रहती है, रोज़ा ही होता है, भूख हड़ताल करेंगे, रोज़ा भी नहीं खोलेंगे अगर इस तरह से कोशिश अगर नहीं हुई कोई कार्रवाई। 24-15 घंटे का हमारा रोज़ा है और ज़्यादा रुकना हमारी कोई मुश्किल बात नहीं है। 15 घंटा भूख प्यास रह सकते हैं तो और भी कार्रवाई के लिए हम 24 घंटे भी भूखा प्यासा रह सकते हैं। नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में इतना ही और अब हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।